हेलो गाइज वेलकम बैक दिस दिसम फोर ऑफ फ्लेमिंग ट्वेल्थ क्लास एन सी आर टी सो द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स सो जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ठीक है और ये पहले सर्जन बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे फिर ये एक पोएट बन गए थे और ये जो पोएम है ना अ थिंग ऑफ ब्यूटी इट इज एन एक्सोप्ट मतलब ये जो एक पीस ऑफ पोएम है ये लिया गया है एक इनकी जो बड़ी पोइम थी एंड डी ठीक है उसमें से छोटा सा पीस लिया गया है राइटिंग का तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इन टू नथिंग वो कह रहे हैं एक जो चीज़ है जो कि ब्यूटीफुल है या फिर ब्यूटी को सिग्निफाई करती है अब ये ये जो चीज़ है ना ये किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है कोई मेमरी हो, को हो सकती है ठीक है कोई मटीरियलिस्टिक थिंग हो सकती है कोई एनिमल हो सकता है या फिर कोई फ्लावर हो सकता है तो वो कह रहे हैं कि ये कोई भी चीज़ है ना ये हमेशा के लिए एक जॉय होता है मतलब कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल को सिग्निफाई करती है वो हमारे मन में जॉय लाती है हमारे मन में खुशी लाती है उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज़ होती है बल्कि कम नहीं होती है ठीक है और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उस चीज़ को पसंद करना बंद कर दें ठीक है तो ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज़ से लगाव हो जाता है किसी इंसान से किसी एनिमल से तो प्यार उसके लिए ना बढ़ता रहता है तो वो यही कह रहे हैं अब क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग वो कह रहे हैं अबर वो कह रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल ही ले लो बावर का बावर क्या होता है जो ट्रीज़ जो मान लो एक बड़ा सा ट्री है उसकी घनी घनी पत्तियां हैं तो उसके नीचे की जो शेड मिल रही है ना हमें उसके नीचे की जो हमें शेड मिल रही है बैठने की जो जगह मिल रही है जहाँ पर धूप ना पड़ रही हो ठीक है अच्छी हवा हो फ्रेश एयर हो ठीक है और वहाँ हमें सुकून मिलता है मतलब अगर हम उसके नीचे लेटे बावर के नीचे तो हमें स्लीप मिलेगी ठीक है अच्छे ड्रीम्स मिलेंगे अच्छी हेल्थ मिलेगी और हम अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक वावर भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है ठीक है ऑफ मदर अर्थ या नेचर के द्वारा दी गई देर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ वो कह रहे हैं कि देखो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि ब्यूटी लाती है इंसान के मन में मन इंसान के जीवन में ठीक है इंसान की लाइफ में तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए एवरी मोरो एवरी मॉर्निंग क्या करते हैं हम एक फूलों की माला बनाते हैं मतलब वो फूलों को अब एम्ब्रेस कर रहे हैं कि जो फूल जो देन है मदर अर्थ की ठीक है उनको हम चुन चुन कर धागे में पिरो कर एक माला बना देते हैं ठीक है जो कि हम उनको एक जोड़ कर ठीक है उसकी वो ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं वो इस चीज़ से ना इसको भी कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक फूलों की माला में हम फूल जोड़ जोड़ कर उनको साथ में एक बैंड बनाकर रखते हैं उसको समेट कर रखते हैं वैसे ही इन इंसान के मन में जो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं वो हर सुबह उठकर ठीक है उन मेमोरीज़ के बारे में सोचता है खुश होता है उनको इकट्ठा करके अपने मन में एक माला की तरह बना कर रखता है ठीक है और वही जो मेमोरीज है ना वो उसे मोटिवेशन देती हैं ठीक है कुछ आगे बढ़ने का कुछ अच्छा करने का लाइफ में खुश होने का ठीक है मेमोरीज के बेसिस पे वो सुबह उठता है अपना दिन जो है वो स्टार्ट करता है खुश होता है क्योंकि हमें याद है हमें याद आती हैं पुरानी पुरानी चीज़ें याद आती हैं हम खुश होते हैं हम सोचते हैं कि हाँ हम फिर से वैसे ही करेंगे तो वही सब चीज़ें जो हैं वो इंसान को मोटिवेशन देती है स्पाइट ऑफ डिस्पो

वो कम हो रही है तो कह रहे हैं कि नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज तो ग्लूमी दिनों से ग्लूमी का मतलब होता है सैड दिन तो सैड दिनों से बाहर आने के लिए ठीक है इस जो ये जो लोगों का इनह्यूमेन बिहेवियर है ठीक है इतनी जो सैडनेस है इन सबसे छुटकारा पाने के लिए ही हम क्या कर सकते हैं अपनी मेमोरीज को एज अ गार्लेंट ठीक है अपनी मेमोरीज को, को जोड़कर हम खुश होकर मोटिवेट हो सकते हैं ठीक है दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस ऑफ़ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग येस इंस्पाइट ऑफ वो कह रहे हैं कि जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं या जो डार्क चीज़ें हैं हमारे मन में हमारी लाइफ में ठीक है उन सबको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए ठीक है मतलब वही हमें मोटिवेट कर रहे हैं साथ में हमें लाइफ को नेचर को ठीक है मदर अर्थ को एम्ब्रेस करने को कह रहे हैं हमारे पोएट समशेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवेद पाल फ्राम आर डार्क स्पिरिट सच दन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग आशेरी मून वो कह रहे हैं कि देखो इतनी ब्यूटी है हर चीज़ में ब्यूटी वो कह रहे हैं अर्थ में हर चीज़ में ब्यूटी है जैसे कि लास्ट पोम में भी मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ जो पैदा हुई है अर्थ पर उसको मरना भी है बट देखो वो एक अर्थ का हमारी रूल है ठीक है दिस इज़ द नेचर ऑफ़ आर अर्थ इस रूल में भी एक ब्यूटी है ठीक है अगर पुराने पत्ते पेड़ों में से गिर के ज़मीन पर आ रहे हैं तो जाहिर से बात है कि नए ग्रीन लीव्स फ्रेश लीव्स स्प्रिंग के सीजन में जरूर आएंगी तो वो कह रहे हैं कि इस चीज में भी ब्यूटी है अगर डेथ में ब्यूटी है अगर पथ जड़ में ब्यूटी है तो फिर जो स्प्रिंग सीजन जो आता है आपका बसंत ऋतु आता है उसमें भी बहुत ज्यादा ब्यूटी है वो कह रहे हैं कि सच एज सन मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून बून का मतलब होता है ब्लेसिंग वो कह रहे हैं जो सन है ये मून है ये पुराने जो बड़े बड़े पेड़ हैं या एक छोटा सा पौधा भी जो अभी अंकुरित हो रहा है या फिर जो स्प्राउट हो रहा है ठीक है उसमें भी देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटिफुलनेस छिपी हुई है ठीक है और ये सब जो है हमारे लिए ब्लेसिंग हमें इन सब चीज़ों को ब्लेसिंग मान कर इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कुछ अच्छा करना चाहिए ठीक है दिस इज़ द ब्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस फॉर and शीप एंड daffodils with विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स वो फिर से कह रहे हैं जैसे उन्होंने ऊपर एग्जाम्पल दिया सन मून का वैसे कह रहे हैं कि जो भेड़ बकरियाँ जो चर रहे हैं घास देखो इसमें भी कितनी ब्यूटी है डैफोडिल्स क्या होते हैं फ्लार्स होते हैं फ्लार्स भी कितने कितने सुंदर जो है अर्थ पर हैं और वो कह रहे हैं कि इन फ्लार्स को देखो इस ये भी ब्यूटी को रिप्रजेंट करते हैं ठीक है और कह रहे हैं विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लीयर रिल्स रिल्स क्या होते हैं स्मॉल स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी नदियाँ नहरें जो बह रही हैं क्लियर मतलब साफ सुथरी जो अनपोल्यूटेड है ठीक है तो ये एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो मदर अर्थ की नेचर की ठीक है कि यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स हो ठीक है जो कि हमें खुशी दें जो हमारे लिए ब्यूटिफुलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर दैट दैट फॉर देम सेल्स अ कोलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक वो कह रहे हैं कि जो ये जो नहरें बहती हैं जो नदियाँ बहती हैं इनके जो दोनों साइड पे जो छोटे छोटे बुशेज़ होते हैं या छोटे छोटे पेड़ होते हैं इनके पास जब आप जाकर बैठोगे इनके किनारों पर तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा ठीक है क्योंकि जो नदी का जो किनारा है उसके ऊपर जो नदी की हवा आती है ठंडी हवा आती है तो कह रहे हैं कि आपको कूलिंग कोवर्ट देगा ठीक है और कह रहे हैं कि हॉट सीजन के अगेंस्ट गर्मी में ये हमको ठंडक का एहसास देगा जैसे गर्मी में सर्दी का एहसास वही तो कह रहे हैं कि हमें वो एहसास देगा द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्रूम मिड फॉरेस्ट ब्रेक का क्या मतलब होता है जो छोटे छोटे फर्न या जो छोटे छोटे प्लांट्स uh, कह लो जो फॉरेस्ट के अंदर उग रहे होते हैं ठीक है रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज मस्क रोज क्या होता है एक टाइप का फ्लावर होता है वही रोज़ का फ्लावर होता है जिसमें आपको बहुत अच्छी स्मेल आती है तो वो कह रहे हैं कि देखो जो ये स्मेल आ रही है नेचुरल फूलों की ठीक है और ये जो फर्नस हैं ये जो पेटल्स हैं इनकी जो खुशबू चारों ओर जो फैली हुई है दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस ठीक है एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स ठीक है तो कह रहे हैं ग्रैंडियर ऑफ़ द डूम्स वो कह रहे हैं डूम्स का मतलब हमें पता है कि हेल होता है कि जब कोई चीज़ मरने वाली हो जब उसका जो अंत है वो पास में हो अंत जो है वो निकट हो तो कह रहे हैं कि जब ये जो डूम भी है ना जो ये मरने का फेज़ भी है देखो इसमें भी बहुत सारा ब्यूटी छुपी है ठीक है जैसे कि कोई अगर फ्लावर है वो मर जाता है फिर एक फ्रूट उसमें से बाहर निकल के आता है तो उसकी लाइफ जो है वो ख़राब नहीं गई उसकी लाइफ भी जो थी वो मीनिंगफुल थी फ्लावर की तो वो कह रहे हैं कि मरने में भी एक ब्यूटी है और मरने को भी सेलिब्रेट करो आप लोग मरने से ये नहीं कि लोग भाग रहे हैं और वही ना कि जो दुख है ज़रूरी नहीं है कि मरने से हमेशा दुख ही आए कभी कभी मरने से मुक्ति भी मिल जाती है ठीक है इंसान को वी हैव ऑल इमेजन फॉर द माइ टी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड वो कह रहे हैं कि जो लोग मर गए अब वो कह रहे हैं माइटी डेड ये लोग मर गए ठीक है कुछ लोग ऐसे भी मर गए जो देश के लिए लड़के जो अच्छे काम करके अच्छे कॉज के लिए लड़े थे और मर गए मरना बुरी चीज है हमें पता है मरने से सबको डर लगता है दुख आता है बट उनका जो डेथ है वो कभी भी दुख नहीं लाए ठीक है वो उनकी जो डेथ थी वो हमेशा मोटिवेशन लेकर आई है और लोगों में ठीक है उनकी जो डेथ थी वो माइटी थी माइटी का मतलब वो लोग अमर हो गए जाके और उनकी जो डेथ थी वो बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं गई तो वो कह रहे हैं कि याद करो उन शहीदों को उन अमर लोगों को जिनकी जो डेथ है वो व्यर्थ नहीं गई जिनके जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं गए तो ठीक है तो डेथ भी जो है वो खराब चीज़ नहीं है और वो कह रहे हैं लवली टेल्स मतलब वही जो अच्छी अच्छी कहानियाँ शहीदों की जो हम सुनते हैं ठीक है हमने जो पढ़ी हैं या फिर हमने जो सुनी है तो वहाँ पर भी उनकी अमर उनके अमर होने का वहाँ पर प्रमाण दिया गया है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इम ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग और एंड की टू लाइंस में पोएट यही कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ना ये भगवान के द्वारा हम सभी को गिफ्ट है ठीक है और ये एक नेक्टर है मतलब एक ड्रिंक टाइप है एक अच्छा सा शहद टाइप का है जो कि भगवान हमें दे रहे हैं जो ये इन ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं दिस इज़ लाइक अ नेक्टर विच इज़ गिवन बाय अ गॉड टू अस और ये जो ब्यूटी है ना ये हमेशा इमोटल रहेंगी ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ठीक है अर्थ के द्वारा नेचर के द्वारा ये भी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती ये हमेशा इमोटल रहेंगी और यही हमें एक रीज़न देते हैं अर्थ पर रहने का जिसके बावजूद भी जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं दर्द है शौरो है ठीक है, है उनके बावजूद भी ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये एक रीज़न है अर्थ पर अच्छे से रहने का अपने जीवन को बिताने का ठीक है और ख़ुशी खुशी रहने का सो दिस इज़ अबाउट द पोएम आ थिंक ऑफ ब्यूटी आई होप यू लाइक द एक्सप्लेन ऑफ दिस वीडियो और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ब बाय टेक केयर सी यू ऑल